आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट रायते की रेसिपी। ये स्वादिष्ट रायता बनाना बहुत ही आसान है, तो ये किस चीज़ से बना है ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। और ये बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाला रायता है, जो गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन, स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो चलिए बनाते हैं इस बेहतरीन रायते को, जिसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इस बेहतरीन रायते को बनाने के लिए यहाँ हम खीरा लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं और टमाटर लिए हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से साफ करके इसे छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। और यहाँ फ्रेश ताज़ी दही लिए हैं, घर की जमाई हुई। ये दही में हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, इससे रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे फेंट लेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, बिल्कुल स्मूथ, ये देखिए। और रायता बनाने के लिए हमेशा इसी तरह से एकदम फ्रेश, ताज़ी और गाढ़ी दही का इस्तेमाल करें, इससे रायता बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें हम डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये टमाटर, इसे भी हम छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। और ये खीरा, जिसे हम घिस लिए हैं। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं दही के साथ। यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से रायता बनाएंगे तो आप सब्जी खाना भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगता है ये रायता। और अब इस रायते को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला और ये लाल मिर्च पाउडर और ये काला नमक। और मसाले को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे रायता में। और अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, ये हरी मिर्च है और ये धनिया पत्ता। और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत जल्द बन जाने वाला रायता है, जिसे आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो ये सारे सब्जियां और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। ये रायता हमारा बनके तैयार है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।